देखिए, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है पावर का शेषफल निकालना, किसी संख्या के पावर देगा और बोलेगा कि इसको जब हम इतना से भाग मारेंगे तो शेषफल क्या होगा। कई बार एग्जाम में आप ऐसा सवाल देखे होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस ये वाला रखता है कि 17 के पावर अगर 200 है तो इसे 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर, एक सवाल लिख देते हैं, अगला बार से नहीं लिखेंगे, शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या होगा, जो लोग जानते हैं बोल दीजिए। 17 के पावर 200 है, उसको आपको 18 से भाग मारना है तो शेषफल क्या होगा। ये आप बहुत ज्यादा देखे होंगे ऐसे ऐसे सवाल, बोलते जाइए। बोलते जाइए, ठीक है। एक मिनट टाइम आपके पास रहेगा, आप एक मिनट के अंदर दे देते हैं तो अच्छी बात है। तना नफदीज मारना है, जीरो आएगा तना नफदीज, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। एक नोट लिखिए, एक नोट से इस टाइप के सभी हम लोग सवाल बनाएंगे, ट्रिक व्रिक नहीं यूज करेंगे, एक कम रहता है तो ऐसा होता है, दो कम रहता है तो ऐसा होता है, वो सब ऐसा नहीं होता है। लिखिए, यदि पावर सम संख्या हो, इवन नंबर, यदि पावर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो जरूरत के अनुसार पावर में, तो जरूरत के अनुसार पावर में 2, 4, 6 डॉट डॉट, जरूरत के अनुसार पावर में इवन नंबर सम संख्या, जरूरत के अनुसार पावर में 2, 4, 6 डॉट डॉट में से, लिख लीजिएगा 2, 4, 6 में से किसी एक को लेंगे, किसी एक को लेंगे और अगर आंसर आ जाए, और अगर आंसर आ जाए तो दूसरे वैल्यू पर, अगर आंसर आ जाए तो दूसरे वैल्यू पर चेक नहीं करेंगे, तो दूसरे वैल्यू पर चेक नहीं करेंगे। अभी क्या है, सवाल सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा नोट लिखिए, दूसरा, यदि पावर विषम संख्या हो, ऑड नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, हाँ, यदि पावर विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो जरूरत के अनुसार 1, 3, 5 डॉट डॉट, जरूरत के अनुसार 1, 3, 5 डॉट डॉट में से किसी एक को लेंगे, में से किसी एक को लेंगे। अब सुनिए, एक वर्ड मैंने बोला उसमें कि अगर एक बार आंसर आ जाए तो दूसरे वैल्यू पर चेक नहीं करके देखेंगे। आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि सब पर हो रहा है कि नहीं, है आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लाना है। आंसर अगर एक पर आ गया तो दूसरा पर चेक नहीं करना है। जैसे अगर मैंने पावर 2 रखा और 2 से मेरा काम चल गया और मेरा आंसर आ गया, तो अगला हम चेक 4 पर नहीं करेंगे। फिर 4 पर आप करिएगा ना तो आंसर दूसरा आएगा, तो आपको लगेगा कि गलत है, गलत नहीं है,
उसका चेक करने का तरीका ही वही है, आप दोबारा उस पर चेक नहीं करेंगे। अगर मैंने विषम संख्या, अगर पावर कोई ऑड नंबर विषम संख्या हो तो ज़रूरत के अनुसार 1, 3, 5, 7 जो भी जरूरी पड़े उसमें से किसी एक को लेंगे, और एक बार अगर किसी को उठा लिया और अगर आंसर उससे आ गया तो फिर दूसरा पर आप चेक नहीं करेंगे क्योंकि फिर उस पर नहीं आएगा, लेकिन आंसर सही होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, कहा गया ऐसा बोल रहा है कि 17 के पावर, अब आप लोग आंसर बोलिए तो क्या क्या है, किसी का एक, किसी का दो, कोई के जीरो है जी। देखिए, आपसे बोला गया कि 17 के पावर 200, अब बताइए क्या ऐसा पावर करना पॉसिबल है? 17 के पावर स्क्वायर भर याद होगा, क्यों पूछ देंगे, उसमें शांत हो जाइएगा, पावर फोर में तो खत्म, तो 200 कहाँ से होगा, है ना? नहीं, वो नहीं है, यहाँ शेषफल है। देखिए, जो आप कहना चाह रहे हैं वो कुछ और था, वो चीज़ है इकाई अंक में निकालना, यूनिट डिजिट में, ये अलग चीज़ है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम संख्या के पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें पावर पर जो भी वैल्यू आए उसको किसी संख्या से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो मैंने कहा कि अगर पावर सम संख्या हो तो इनमें से कोई उठाएंगे, 2, 4, 6 में से, जिससे ज़रूरत पड़ जाए, काम चल जाए। तो अब बताइए, सम की विषम, सम, तो सम अगर ये है तो सम के लिए कोई ज़रूरत के अनुसार ये लेंगे इनमें से कोई एक, और एक बार किसी को उठा लेंगे तो दोबारा चेक दूसरा पर नहीं करेंगे। अब हमको भाग किससे देना है, 18 से। तो अगर मैं इस पावर के जगह पर अब मैं 2 अगर मैं रख दिया तो ये बना 17 का स्क्वायर, यही ना बना, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। अब आपको सिर्फ इसी 289 में जिससे बोला है उससे भाग देना था, 18 एकम 18, 18 छक 108, कितना बचा जी, एक बचा, एक वाले आंसर सही है। फालतू के ट्रिक यूज नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट यूज करना है, किसी भी सवाल पर ये लगेगा। हाँ, अगर मैं 2 उठाया और पावर किए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या थी कि हमने पावर किया तो भी छोटा पड़ गया वो, तब फिर हमें 2 के बदले 4 उठाना पड़ता, हो सकता है 4 से ना आता तो उसके बदले फिर 6, उससे भी नहीं आता तो 8, ये प्रोसेस है उसका, उतना जाना ही नहीं पड़ेगा जी। एग्ज़ाम देखिए, कभी भी एग्ज़ाम का सवाल है, उसमें सिर्फ उतना ही आपसे पूछना चाहेगा जो आपके दिए हुए समय के अंदर बन जाए। आप हाँ बोलिए, 200 का पावर, मतलब कुछ भी आएगा जिससे भाग देना है उससे हम भाग देंगे, केवल डाउट नहीं, हाला नहीं, चुप रहिए। चलिए आगे बनाइए, पहला सवाल में कंफ्यूजन होगा आपको, बनाइए जी। 18 के पावर 500 को आप भाग दे दें 14 से, अगला सवाल में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जी। बनाइए, अगला में डाउट क्लियर हो जाएगा, हम समझ रहे हैं। बड़ा जल्दी आंसर ले लाए जी, कोई बात नहीं, मैंने बोला कि 2 सेकेंड लेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा गलती मत बोलिए, आंसर लाइए और लाने दीजिए। बताएंगे दोबारा में, उनका क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, अब बोलिए, पावर सम संख्या की विषम संख्या, तो सम संख्या में पावर के लिए क्या उठाना है, कोई एक। तो आप मुझे बोलिए कि अगर मुझे 2, 4, 6 में से कोई ऑप्शन दे कि आप इससे गुना करिए, तो आप सबसे छोटा ही ना कोशिश करिएगा जो जल्दी हो जाए, तो आप इसलिए 2 उठाएंगे। तो अब अगर मैं 2 उठाऊंगा तो ये बनेगा 18 का
स्क्वायर कितना 324। अब 324 में आपको 14 से भाग देना था, 14 दुना 28, 14 तिया 42, कितना बचा? आप बोलिए क्या डाउट है। हाँ जैसे मैंने 2 से पावर उठाया और पावर उठाने पर आया था कितना 324 आया, और हमको भाग देना रहता 324 से बड़ी संख्या जैसे 400 500, तो इधर काम तो मेरा नहीं था, तब पावर हम अगला उठाते फिर हम। बोलिए दिक्कत है जी? हाँ बोलते जाइएगा, अगला बनाइए। बोलिए शेष निकाल रहे हैं, अब पूरा जितना सवाल दूंगा सिर्फ शेष का दूंगा। बोलते जाइए। अब आपका कैलकुलेशन बताएगा कि आप कितना फास्ट कर पाते हैं। कैलकुलेशन ठीक रहेगा तो बस देखते ही बन जाएगा, जैसे बहुत सारे लोग का बन जा रहा है। थोड़ा सा स्लो रहिएगा तो थोड़ा लेट से आएगा, और ढेर स्लो रहिएगा तो कल आएगा। घर जाके बनावत रहिए, उसमें भी रहते हैं स्टूडेंट, क्या करिएगा। देखिए होता क्या है ना, छोटा जगह पर मैट्रिक तक स्टूडेंट ऐसे पढ़ते हैं जैसे उन्हें कोई बोझ दिया गया हो। सब स्टूडेंट सिर्फ पास करने की वजह से पढ़ा होगा, कोई नॉलेज की वजह से नहीं पढ़ा होगा, और जो स्टूडेंट नॉलेज की वजह से पढ़ा होगा उसको फिर कॉम्पटिशन में मेहनत करना ही नहीं है, वो हर चीज पहले से जान के आया होगा, ये होता है। अब देखिए तो पावर कितना यहाँ रखे, 2 रखेंगे, यहाँ कितना रखें क्योंकि सम संख्या है, तो देखिए तो 2 के पावर 2 प्लस 7 के पावर, ए जी बतियाइए मत जी, हाल चाल यहाँ पूछा है क्या, और लोग पढ़ने आए हैं इस बात को ध्यान रखिए। चलिए 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4 53 में हमको 6 से भाग देना था, 6 से कितना होता है 8 6 48, कितना बचा 5 बचा। अब समझ में आया? हाँ, तो इसी प्रकार के सवाल बनते हैं। अब आपको एक और पूछा जाएगा, बोलता है कि 17 के पावर 289 हो और उसको आपको 19 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा। अब आपका सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा उम्मीद है। हाँ बोलते जाइए, जितना जल्दी हो सके आप आंसर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे मिटा दिए जी। नहीं अभी ऑप्शन नहीं, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 13 आ रहा है सर, कोई बात नहीं। अब आइए हम बता देते हैं, आप बताइए पावर सम की विषम, विषम विषम में या तो हम 1 उठाएंगे पावर में या तो 3 उठाएंगे, तो आप बताइए 17 के पावर 1 करूंगा
तो कितना आएगा 17। 17 के पावर 1 करेंगे तो 17। क्या मैं 17 में 19 से भाग दे पाऊंगा? अब इसीलिए 1 नहीं उठा सकते, अब हमको 3 उठाना पड़ेगा। तो अब उठाना पड़ेगा 3, तो ये 17 का क्यूब करना पड़ेगा। 17 का क्यूब कितना होता है? 4913। इसको आपको किससे भाग देना था? 19 दुना 38, 11। आगे बोलिए, 19 पचे कितने जाएगा? 95, 6 दूर, अरे 11 में से 5 गया 6, 10 में से 9 गया 1। अब 3 उतारिए, 19 सत्य 163 होता है, 133 से जाएगा, 8 से जाएगा 152। कितना बचा? 11। शेषफल कितना है? 11। कोई क्या कर रहा है इससे आप लेन देन मत रखिए जी, बीच में बोलिए ही मत, आप सिर्फ आंसर बोलिए बस और बतियाइए मत। एक घंटा बाद पूरा टाइम देंगे हम। हो गया, देखिए तो अगला बना करके क्वेश्चन है 35 के पावर 37 प्लस 31 के पावर 3 को आपको भाग देना है, ये हटा दें, हो गया, आपको भाग देना है 54 से, 54 से। कोई बात नहीं, आने दीजिए, जिनका आ जा रहा है उनका आप काटिए मत। हाँ, आप देखिए तो, हाँ पहले ये देखिएगा ना कि यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, पावर में क्या है, विषम संख्या है, और अगर पावर में विषम संख्या है तो 1 देना है या तो 3। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि यहाँ जोड़ लिखा है, तो जोड़ने के बाद अगर 54 से संख्या बड़ी हो जाती है तो हम 1 पावर से काम चला लेंगे, और नहीं तो मजबूरी में हमको फिर पावर 3 करना पड़ जाएगा। तो अगर 35 एकम 35 और 31 एकम 31, 35 और 31 66, 66 में अगर हम 54 से भाग दें तो 54 एकम 54 कितना आएगा? 12। शेषफल कितना? 12। ये भी देखिए कई बार पूछा हुआ है, इसको 5 से भाग मारता है, 2 के पावर 31 को अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? 3 होगा। इन लोग के आंसर याद नहीं है, समझ चुके हैं और प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप भी समझ के और प्रैक्टिस ढंग का कर लेंगे ना तो इसी प्रकार से आप भी आंसर देंगे। अब देखिए तो पावर कितना है, विषम संख्या ऑड नंबर है, अगर मैं पावर 1 दिया तो 2 एकम 2 ही रह जाएगा, और हमको भाग देना है 5 से, तो हमको क्या देना पड़ेगा? 3। तो 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 में 5 से भाग देंगे तो आंसर 3। तो हो गया, 2 के पावर 3 होता है 8, 8 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और ये रहा हमारा आंसर। अब एक विवादित सवाल देता हूँ, उसके दो आंसर आते हैं, दो तरीके हैं, लेकिन दिक्कत नहीं इसलिए होगा क्योंकि उसमें क्या करता है, उस सवाल से जान पहचान कर लीजिए, क्योंकि उसको दो तरीके से बनाएंगे और दो आंसर आएगा, लेकिन आंसर एक ही वो रखता है। तो इसका मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि हम बनाए तो ए आया और ऑप्शन में बी रखा है,
तो अब आप उस मेथड को अगर नहीं जान पाइएगा तो फिर आपसे बनेगा नहीं। अगला जो सवाल मैं आपको देने जा रहा हूँ उसके दो तरीके के आंसर आते हैं, अब आप देखिए बना करके ऑप्शन में लिख दूंगा। और एग्जाम में क्या किया है ना कि इस सवाल को दो बार पूछा है और दोनों बार एक ऑप्शन चेंज कर दिया है, तो आपको दोनों आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी सी तो दिक्कत है। ये है 4×61+4×62+4×63+4×64 को किससे विभक्त होगा, मतलब किससे कटेगा। ऑप्शन दे रहा हूं, थ्री, टेन, इलेवन, थर्टीन। हाँ बोलते जाइए। आ गया सबका। अब देखिए कुछ लोग 13 भी ले लाए और कुछ लोग 10 भी ले लाए, कोई भी सही हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए तो अभी हम लोग जिस हिसाब से बनाए हैं उसी हिसाब से काम चला रहे हैं। तो देखिए पावर देखिएगा, इससे इसको पावर रखने से पहले ऑप्शन देख लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको जोड़ते हैं। अगर छोटा भी पावर रखेंगे, पावर से अगर नहीं भी ये बढ़ेगा तो भी जोड़ने पर 4×8 12×4 16 आएगा, और ऑप्शन सब नीचे, 16 से सब नीचे, यानी हम मिनिमम पावर रख के यहाँ से हम काम चला लेंगे। तो विषम संख्या पर पावर 1 और सम संख्या पर पावर 2। आइए तो 4×4 4×4 16, फिर 4×4 4×4 16, 16×16 32 8 40, 40 किससे कटेगा। अब हो सकता है एक और भी बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग 13 लाए हैं, हमको लग रहा है कि हो सकता है उस हिसाब के। देखिए तो ऐसे भी तो सॉल्व किया जा सकता है। एक चीज़ याद आपको होगा, याद करके बता रहा हूँ, 4×61+4×62+4×63+4×64। आप ये भी तो पढ़े हैं कि प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज दिखाई दे तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो हम कॉमन लेते हैं। आप बोलिए क्या कॉमन लें, 4×61, अगर हम 61 ले लिए तो ये तो पूरे एक बार में खत्म कर दिए। अब 61 के अलावा जो बचेगा वो लिखाएगा, तो यहाँ कितना बचा, एक, और 61 तो ले लिए हैं तो 61 कटेगा, एक बचेगा, 4×1 कितना होता है, 4 होता है, यहाँ कितना बचेगा, 2, और 4×2 16 होता है, यहाँ कितना बचेगा, 3, 3 है ना, और 4×3 कितना होता है, 64 होता है। अब आइए अगर मैंने इसको जोड़ा कितना, 80 और 5 85, तो 4×61×85, नहीं ऐसे नहीं देखा जाता है। आपको अब देखना होगा ना कि दी गई संख्या का कोई एक फैक्टर उसको काट दे, दी गई संख्या का कोई एक फैक्टर उसको काट दे, तो फैक्टर का मतलब हुआ कि इसमें ध्यान दीजिएगा कि 4×1 क्या है, 61 है, तो है तो 4×4 न है, 4 में सम संख्या होता है कि नहीं, 4 में सम संख्या होता है, तो अगर उसका एक भी सम संख्या मैं इसको उठाऊंगा तो 4×5 20, 5×2 10, 5×6 30, यानी कुछ भी उठाऊंगा तो 0 तो दे देगा, और अगर 0 दे देगा तो किससे काट लेंगे, 10 से, 13 नहीं आएगा।
अगला बनाइए एकदम सेम इसी तरह का है, 3 के पावर 25, 3 के पावर 26, 3 के पावर 27, 3 के पावर 28। किससे विभक्त है, पूर्णतः किससे विभक्त है, किससे विभक्त है? ऑप्शन आधा बना लीजिए, ऑप्शन देखते ही बना दीजिएगा। 16, 25, 30। पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में रखा है, देखिए किससे कटेगा। आए बोलते जाइए, देखिए। तो पहले हम भाग दे, अरे पहले हम इस हिसाब से निकाल लेते हैं। देखिए हमको भाग किससे देना है, हमको भाग लगभग बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 30 है। अगर मैं इसको उठाता तो 3, 6, 9, 3, 12, तो एक का थोड़ा सा तो बड़ा करना पड़ेगा। तो विषम में पावर एक यहाँ भी दे लेंगे, पावर एक यहाँ भी दे लेंगे, लेकिन यहाँ पर पावर दो देना है क्योंकि सम संख्या है। तो 3 के पावर 1, 3, 3 के पावर 2, 9, 3 के पावर 1, 3, 3 के पावर 2, 9, 9, 9, 18 और 9, 3, 27। अभी भी हम लोग इससे नीचे रह गए, ये भी तो देखना पड़ेगा। आपके ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 30 है। आप पावर कुछ इस तरह से रखेंगे कि आपका 30 पार होना चाहिए, क्योंकि आप कम से कम 30 से तो भाग दे ही लेंगे। तो अब इसका मतलब हुआ कि किसी एक में बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बढ़ा पाते हैं तो कॉमन लेने वाला नियम से बना लीजिए। अगर मैं कॉमन ले लेता तो कॉमन अगर मैं इससे ले लेता तो कितना लूँ, 25 ले लें। चलिए 3 के पावर 25 अगर लेंगे तो पूरा एक बार में काटा, और 25 के अलावा जो बचेगा वो पावर में गिनाएगा। तो यहाँ एक बच रहा है तो 3 के पावर 1, 3, यहाँ 2 बच रहा है तो 3 के पावर 2, 9, यहाँ 3 बच रहा है 3 के पावर 3, 27, 40 आ गया। तो 3 के पावर 25 × 40। अब समझाइए किससे काट सकते हैं, कुछ लोग को 30, अब खाली सिर्फ ये बताइएगा किससे काट दें, इतना में ही बताइएगा। देखिए 30 से आप इसलिए काट सकते हैं ना, क्योंकि आपके पावर यहाँ जो है, एक चीज पढ़े होंगे कि अगर बेस सेम हो, बेस माने नीचे वाला और ऊपर वाले को पावर कहते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर जोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब होगा कि 3 के पावर 1 × 3 के पावर 24 होगा, तो उसको हम 3 के पावर 1 × 3 के पावर 24 को 3 के पावर 25 लिख सकते हैं। तो अगर लिख सकते हैं तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये वाला 3 के पावर 1 × 3 के पावर 24 ना है, और 3 के पावर 1 उठा लिए हैं तो ये 40 है, 40 में 10 × 4 है, 10 × 30 से ही फाइनली कटेगा। दूसरा एक तो जीरो इसमें था ना, तो जीरो इसमें किस में है, इसमें है, इससे काट लेते हैं। हाँ अब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का क्यूब सर,
चलिए एक तरफ से बोलिए, तीन का क्यूब कर लें, चलिए 27, तीन का स्क्वायर। अच्छा पहले हमको ये बता दीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, तीन का क्यूब किए हैं, चलिए तीन का स्क्वायर, तीन के पावर एक और तीन के पावर। पहला गलती तो आप ये कर रहे हैं कि इसी जगह आप गड़बड़ कर रहे हैं, एक जगह विषम में तीन उठा ले रहे हैं, एक जगह एक, कोई एक उठाइए ना, नहीं कोई एक उठाइए, हाँ तो तीनों में उठाइए, दोनों में तीन रखिए, या तो दोनों में एक रखिए, एक रखेंगे तो छोटा पड़ जा रहा है, तो तीन रख के देख लेते हैं। तो यहाँ हम पहले तीन रखेंगे, अब 27 27 54 9 54 9 63 और 3 66। अच्छा यहाँ स्क्वायर रखल है, हाँ तो ये रहा 27 और 27 54 और 18 72। अब हमारे पास 72 यहाँ पे आएंगे, तो 72 16 से कैसे कटेगा, फिर इससे अब सुन लीजिए, इस नियम से देखिए ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए मैंने बोला था कि ये सवाल विवादित है, दो बार पूछा दो तरीके से, अगर आप दोनों तरीका नहीं जानेंगे तो जैसे अगर आप ये जाने तो आप इसी से बनाएंगे और इसको बना करके आप ढूंढेंगे कितना 72 72 में आप ढूंढना चाहेंगे जो कि ऑप्शन में कोई आपको मिलेगा नहीं। तो ना, हाँ हाँ नहीं, सेम पावर सेम, या तो तीन के पावर एक ही रखिए तो सब में तीन के पावर एक, या तो तीन रखिए तो सब में उसी के पावर तीन। हाँ तो इसीलिए बोले थे कि ये विवादित टाइप का है, देख लीजिएगा एग्जाम में क्या करेगा, आंसर तीस होगा ना, तीस ही होगा, कोई ऐसे भी हैं जो झूठों के पढ़ने आ गए, मतलब कुछ है ये नहीं रहा समझ में, ऐसे नहीं ना है, हाँ ठीक, चलिए अच्छी बात है, अगर आप समझ रहे हैं तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ ही जाए। अब इसी में सवाल कुछ थोड़ा सा अपना लैंग्वेज में पूछने लगता है, देखिए तो इसको समझ के लिखिएगा ना, यदि n एक लिख दे रहा हूं जी, यदि n एक ऋणात्मक निगेटिव ना ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो कौन सबसे छोटा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, ऑप्शन के अनुसार जीरो माइनस एन टू एन एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, हाँ सबसे छोटा पूछा है, कुछ लॉजिक लगा के देखना है, देखिए याद रखिएगा पूर्णांक का मतलब कुछ नहीं सिर्फ संख्या, पूर्णांक मतलब संख्या, ऋणात्मक माने निगेटिव और धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, आंसर बोलिए 2n सर, देखिए कहा क्या, उसने बोला कि n एक निगेटिव नंबर होना चाहिए तो सबसे छोटा कौन होगा, तो अब बताइए कि हमसे बोला गया कि वो निगेटिव नंबर हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, निगेटिव संख्या हो, तो सबसे छोटा इसमें से कौन आएगा,
बोलिए क्या ऑप्शन रख के चेक करें? डायरेक्ट चेक कर दें? कैसे? एगो कोई बोलिए एगो। अरे वो नहीं, एन के जगह हाँ माइनस माइनस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, पहला उसने बोला ना कि एन एक निगेटिव नंबर होना चाहिए। आपकी मर्जी जो मन ले लीजिए, आपकी मर्जी जो मन ले लीजिए। तो सबसे छोटा इसमें से कौन होगा? तो अगर मैंने एक रखा, ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मैं एक रखा, अच्छा निगेटिव रखना है, माइनस एक रखे, तो माइनस एक रखे तो एन का वैल्यू माइनस एक मैं रखा हूँ तो ये जीरो है, ये जीरो है। दूसरा बोल रहा है कि ये माइनस वन है, ये वाला क्या आएगा? एन का वैल्यू कितना रहा है? एन का वैल्यू माइनस वन रखा है और एन हम क्या रखे हैं? माइनस वन। तो एन खुद माइनस वन है, इसमें पहले से माइनस वन है, तो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन प्लस वन। एन का वैल्यू माइनस वन तो दू गुने माइनस एक माइनस दू। एन का स्क्वायर यानी माइनस एक का स्क्वायर एक, वहां हमने क्या रखा है? जीरो, तो जीरो भी एक रखिए लीजिए। अब आपको ये बताना था कि आखिर इसमें छोटा कौन आ रहा है, तो छोटा में हम देखेंगे कि जीरो भी बड़ा होगा। कब? जब वैल्यू पीछे माइनस में हो, क्योंकि माइनस से तो बड़ा है ना वो। पॉजिटिव में आएंगे तो जीरो तो सबसे छोटा चला जाएगा, लेकिन निगेटिव में अगर हम आएंगे तो निगेटिव वाले सारे नंबर छोटे में काउंट होंगे और जीरो जो है उनसे बड़ा में काउंट होगा। तो इसका मतलब जो प्लस में है वो बड़ा है और जो माइनस में है वो उनसे छोटा है। तो इसमें माइनस में कौन है? माइनस दो। माइनस दो आप कहाँ से लाए थे? टू एन से। तो आपका आंसर टू एन। अभी हम लोग सम विषम ही कर रहे हैं और सम विषम ही करेंगे, बस पूछने का इसका तरीका अलग हो जाएगा। जैसे देखिए अगला सवाल है, यदि ए और बी दो विषम संख्या हो, विषम संख्या माने ऑड नंबर जी, दो विषम संख्या हो तो कौन सम संख्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सम संख्या होगा? सम संख्या होगा, हाँ बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए ए प्लस बी, ऑप्शन बी ए प्लस बी प्लस वन, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ए बी प्लस टू। ऑप्शन पहले देख लीजिए, आप लोग खुद में डिस्कस नहीं करिए किसका सही है। कल याद है लास्ट वाला क्वेश्चन में हम बोले थे कि सम संख्या और सम संख्या जोड़ते हैं तो सम संख्या आता है, विषम संख्या और विषम संख्या जोड़ते हैं तो भी सम संख्या आता है। ध्यान रखिए यही सब कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सम प्लस सम करेंगे तो सम ही आएगा, क्योंकि दू प्लस दू कितना? चार। और विषम प्लस विषम करेंगे, विषम प्लस विषम करेंगे तो भी सम आएगा, क्योंकि तीन प्लस पाँच आठ होता है। अब सम प्लस विषम अगर कर दिए तो विषम आएगा, यह सब ध्यान रखिएगा। जैसे दो और एक तीन, तो अब आ जाइए, दोनों बोला कि ए और बी विषम संख्या हो,
ए और बी क्या होना चाहिए, चाहे अब वो कोई भी संख्या हो उससे मतलब हमको नहीं है, बस इतना मतलब है कि वो विषम है। तो अगर वो विषम है तो जब जब हम विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम संख्या आता है। और यहाँ पर बोला गया कि ए और बी दो विषम संख्या हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सम संख्या आएगा, तो सम संख्या वही आएगा जो जोड़ेंगे, क्योंकि हम विषम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। यही ना यहाँ लिखवाए हम कि दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम आता है, तो ये दोनों विषम संख्या तो है ही, तो दोनों जब विषम संख्या है ही तो दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सम संख्या। और जोड़ने को क्या बोलते हैं, प्लस, ए प्लस बी। आप देखिए पहली बार पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने का केवल प्रयास करें, जो पहले से पढ़ चुके हैं वो कोशिश करिए कि 1, 2, 3 में जरूर आपका आंसर आए, पहले से जो पढ़े हैं, और जो नहीं पढ़े हैं चुपचाप सुनिए, समझिए और घर जाकर प्रैक्टिस करिए। नहीं आएगा तो बोलिएगा, बताएंगे। अभी तक कुछ ऐसा सवाल गुजरा नहीं कि जो दिक्कत हो, देखिए तो एकदम सिंपल है, सिंपल है लेकिन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है सब। लिखिए तो, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 बचता है, तो इस संख्या तो इस संख्या के वर्ग को, वर्ग माने स्क्वायर, वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखिए, हाँ हाँ बोलते जाइए, कभी भी ऐसे जो सवाल होते हैं, ऐसे जो सवाल होते हैं इसमें बड़ी संख्या के बारे में कभी मत सोचिएगा, ऐसे जो सवाल होते हैं उसमें बड़ी संख्या के बारे में कभी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ छोटी संख्या के बारे में सोचना है, उससे बड़ी संख्या के बारे में। कह रहा है कि अगर मैं किसी संख्या को 5 से भाग देता हूँ तो 3 बचता है, तो 5 3 8 था, संख्या क्या था, 8 था, क्योंकि मैं 5 से भाग दे रहा हूँ तो 3 बच रहा है, तो 5 एकम 5 और 3 8 रहा होगा, बस हो गया, तो संख्या कितना है, 8 है, संख्या कितना है, 8 है, तो संख्या अगर 8 है, अब बोल रहा है कि इसका अगर वर्ग करें, स्क्वायर करें, तो 8 का स्क्वायर 64, तो 8 का स्क्वायर 64, अब 64 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 12 5 60, कितना बचेगा, 4 बचेगा। कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ याद दिलाए, पहला या दूसरा क्लास में ये बताए थे, एक सवाल दिए थे कि किसी संख्या को इतना से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो उसी संख्या को इतना से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो हम बोले थे कि जो भी शेषफल पर, मतलब जो संख्या पर प्रभाव पड़ेगा वही शेषफल पर पड़ता है, इसका मतलब हुआ कि संख्या में जितना जोड़ेंगे
उतना में शेषफल में जोड़ने के बराबर वैल्यू, घटाएंगे तो घटाने के बराबर वैल्यू, गुना करेंगे तो गुना करने के बराबर वैल्यू, भाग देंगे तो भाग करने के वैल्यू, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बराबर का वैल्यू, और क्यूब करेंगे तो क्यूब करने के बराबर का वैल्यू देगा। इन सभी में से कोई भी सवाल आपसे पूछेगा आप ऐसे ही डायरेक्ट बना लेंगे। जैसे मैंने बोला कि जो मैं संख्या में करूंगा वही चीज स्क्वायर के साथ हो जाएगा और आंसर सेम आएगा। तो आपने कहा कि किसी संख्या को अगर 5 से भाग दूं तो 3 बचता है, और अगर मैं उसी संख्या को स्क्वायर कर दूं, उसी संख्या को स्क्वायर कर दूं और 5 से भाग दूं तो क्या बचेगा? तो आप जब संख्या का स्क्वायर करिएगा तो मैं जानता हूं कि संख्या का स्क्वायर करने पर वही वैल्यू आएगा जो मैं शेषफल का स्क्वायर करने पर वैल्यू लाऊं। तो शेषफल कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 5 से भाग देंगे कितना बचा? 4। यही हर चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक दो सवाल अपने से ज़रूर बनाए जाते हैं, और जब जब बनेगा वो आप पढ़े हैं समझे हैं वही काम आएगा। 20 सवाल में 18 को पढ़ावा लगा, लेकिन 2 गो दुनिया में कोई टीचर नहीं है, वो आपको भले कह देते होंगे कि 20 में 20 में सटा दिया, वो सब ऐसी है। 18 को पढ़ावा लाएगा, 2 गो सवाल अपने से वो जरूर बना के देगा, लेकिन अगर एग्जामिनर प्रीवियस ईयर उठा लिया तो फिर बात ही खत्म है। लेकिन अगर एग्जामिनर बनाया सवाल तो 2 गो हर पेपर में जरूर नया डालेगा। नया नहीं रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा बदलाव रहेगा जो स्टूडेंट के हिसाब से आपको लगेगा कि बिना पढ़ाया हुआ आया है। और जब आप एग्जाम देने जाइएगा तब आपके साथ ऐसा होगा कि इस बार नहीं 2-3 गो नया था, वो नया नहीं था, उसी में से बहुत चीज रखा है। सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप जो पढ़ के आए हैं क्या सिर्फ उतना ही बना पाते हैं या कुछ नए चीज पर भी आप ट्राई कर पाते हैं। हाँ, फिर से बताएं। अच्छा, अब मेरे साथ बोलिएगा, अगर किसी संख्या को 10 से भाग दे रहा हूं तो 4 से बच रहा है, संख्या कितना है? मैं किसी संख्या को 10 से भाग दे रहा हूं तो 4 बच रहा है, कि उस संख्या कितना है? 14। अगला केवल 60 देना है। अगर किसी संख्या को 5 से भाग दे रहा हूं और 2 शेषफल बच रहा है तो 5 और 2 7 था, बस ऐसे ही। अगला सवाल मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, आप ओरली आप आंसर डायरेक्ट कर दें और हो भी जाएगा। अच्छा, ऑप्शन वाइज है, लिख देता हूं, यही सवाल को ऑप्शन में पूछ रहा है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, यदि n एक प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या माने नेचुरल नंबर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो n का क्यूब माइनस n विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? को विभक्त माने काटना, विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है? सवाल है वही बेसिक, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। हाँ, बोलते जाइए। कोई बात नहीं, यही मैं बताया हूं कि समझ के बनाना और ऐसे ही बनाने में फर्क आपको इसी जगह समझ में आएगा, ठीक है ना? एक जो पढ़ाए वही दिए बन गया, एक कुछ बदलाव किए तो बना कि नहीं, बस यही समझना है। वही एग्जाम में आपको 2 सवाल करेगा, जब भी बदलाव करेगा अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो हर सवाल हर जगह पे 2-3-4 सवाल आपका गया, क्योंकि बदलाव करेगा। देखिए, कुछ लोग और ट्राई कीजिए, अभी तक आंसर आया है 6 और 12। कोई बात नहीं,
और टाइम दूं कि बना दूं? तो सुनिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जो एक से स्टार्ट हो, एक से स्टार्ट होने वाले को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, अब चाहे जितना वो चला जाए। एक होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ये जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसा होता है। तो बोला ये प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ कि एक से स्टार्ट होगा। अब बोलता है कि कोई भी ऐसी संख्या हो, कोई भी ऐसी संख्या हो जो n है, संख्या मतलब इस जगह n, किसी भी एक संख्या को उठाओ, उस संख्या को क्यूब करो और फिर उसी संख्या को घटाओ, तो घटाने पर इनमें से विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? ऐसी कौन सी संख्या होगी जो हर संख्या पर इस थ्योरम में लागू हुए सवाल को वो काट सके, ये कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर, सभी पर, सभी को काटना होगा इसको। तो मैं एक काम करता हूं, पहले एक उठाता हूं, तो आप एक उठाएंगे तो जीरो, जीरो से किसी संख्या में भाग देने पर जीरो, दो चीज होता है, जीरो, जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे, जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो जीरो, लेकिन किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो इनफाइनाइट। ये सब अंतर समझते चलिएगा। अब आइए, अगर मुझसे कहा कि प्राकृतिक संख्या, तो मेरे पास तो पहले एक दिख रहा है, तो एक देखते हैं, तो एक का क्यूब एक में से एक गया जीरो, अब दो रखते हैं, दो का क्यूब आठ में से दो गया छः, तीन रखते हैं, तीन का क्यूब सत्ताईस में से तीन गया चौबीस, चार रखते हैं, चार का क्यूब चौसठ में से चार गया साठ, पांच का क्यूब एक सौ पच्चीस, एक सौ पच्चीस में से पांच गया। अब आप ऐसे चाहें तो चेक करते रहिए, लेकिन हम दो तीन में ही चेक करके समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। पहली बात कि जीरो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में एक से स्टार्ट होते हैं, तो इसका तो काम गया, बचा यहां से। अब आपके पास ऑप्शन में वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो इन सभी को काटे। अब बड़ी से बड़ी संख्या, कुछ लोग बोल रहे हैं बारह, बारह छह को काट लेगा, तो बारह हो ही नहीं सकता। ऐसी बड़ी संख्या, बड़ा मतलब एकरा में बड़ा के हिसाब से बारह मारेगा जी, ऑप्शन में भी तो बड़ा यही ना है, वो नहीं है बड़ा जी, बड़ा मतलब ऐसी बड़ी संख्या जो दिए गए सभी वैल्यू को रखे तो काट सके। तो अगर मैं आपके अनुसार बना रहा हूं, दो से तो मैं काट सकता हूं, तीन से काट सकता हूं, छह से काट सकता हूं, छः से कैसे नहीं काट सकते, बारह से नहीं काट सकते, तो बारह तो हटाइए, बारह हटेगा। आप बताइए, काट तो हम इन तीनों से रहे हैं ना, इनमें बड़ी संख्या कौन है? छः होगा आंसर। लॉजिक को समझिए, दिक्कत होगा एग्जाम में, कहीं भी, कहीं भी जितना वैल्यू पर लेके जाइएगा वहां पर होगा। तो आपको बड़ा चाहिए ना, कंसेप्ट लगाइए, बड़ा चाहिए तो आपको छोटा हटा देना था, तो हम छोटे हटा दिए। अब बड़ा हम कितना चेक करेंगे मैक्सिमम, उसका कोई गिनती थोड़ी ना है, आप जितना चेक करिए करते जाइए। तो क्या करना होगा कि बड़ा पूछ दिया ना, तो छोटा हटा दीजिए, कौन नहीं कटेगा, तो छः नहीं कटेगा, यानी बारह से छः नहीं कटेगा, हटा दिए। डाउट पूछिए, डाउट ऐसे ही बोल दीजिए, एक सवाल है, ये नहीं है, इससे पीछे वाला ही जैसा है, ऐसे ही बोलिएगा, लिखवाएंगे नहीं।
किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? मैंने बोला कि किसी संख्या को 6 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। तो 6 और 3 संख्या 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 6 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। दूसरा तरीका, शेष कितना बचा था? स्क्वायर करने को कह रहे हैं तो हम शेष का भी तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 को 6 से भाग देंगे तो देखिए कोशिश करिए कि मैक्सिमम आपको यही याद हो जाए, यही समझ लें। अब जो घर पे आप मेहनत करिएगा ना, वो आपका एक्स्ट्रा होगा और वही आपको नंबर फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। अभी भी बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन सोच रहा हूँ कि आज का टाइप इतना ही छोड़ा जाए। चलिए अब अगला दिन अगला टाइप।